योगी जी कहते हैं कि मेवातियों की गर्मी 10 मार्च के बाद निकाल देंगे, आप किसको डराना चाहते हैं? जो मुगलों से लोहा लिया, जिसने इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, आपका तो बिस्तरा बन गया है। इस अरेस्टिंग में दो अजय और एक और शूटर जो है जो कि मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं मेवात दस्तक। दोस्तों आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता मोहम्मद बिलाल उटावर, महासचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बिलाल जी से हम बात करें, यूपी में जैसे ही चुनाव आगे बढ़ रहा है, योगी जी ने आग उगलनी शुरू कर दी है और उन्होंने मेवात के नाम को भी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो प्रस्तावक थे प्रधान जी, उनकी प्रधान के हत्यारे कहां से आए थे? मेवात से आए थे, मेवात से। ये मेवाती फिर से आकर के उपद्रव कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से योगी जी जो यूपी के पिछले 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने आप को बाबा कहलवाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, जिस प्रकार की उन्होंने भाषा अभी 2 दिन पहले छाता विधानसभा में प्रचार के दौरान कहीं, मेव समाज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, योगी जी कहते हैं कि मेवातियों की गर्मी 10 मार्च के बाद निकाल देंगे, मोदी योगी जी आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किसको डराना चाहते हैं? मेव समाज, जो मुगलों से लोहा लिया जिसने, और जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और इस मुल्क से भगा कर ही दम लिया, आप उनको डराना धमकाना चाहते हैं? योगी जी छोड़िए इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में, आपका तो बिस्तरा बन गया है। और क्योंकि आप 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, हिंदू मुसलमान के नाम की राजनीति की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी का एक ये तो धर्म रहा है कि अल्पसंख्यकों को गाली देना, बहुसंख्यकों को अपने उसमें करना, लेकिन बहुसंख्यक समाज भी सारा ऐसा नहीं है, चंद लोग हैं जो बहुसंख्यक समाज को बदनाम करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि योगी जी ऐसी अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, मेवातियों की दिमाग की गर्मी या मेवातियों की गर्मी आप नहीं निकाल पाएंगे, भगवान और अल्लाह ताला आपकी गर्मी निकाल देगा 10 मार्च के बाद। नहीं, योगी जी ने कहा है कि जो रामवीर प्रधान की जो हत्या हुई थी वो गुंडे मेवात से आए थे, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा किया है, वो खुलासा तो कुछ और कहता है। देखिए, पैगाम के जो सरपंच साहब की हत्या हुई, अल्पसंख्यक समाज को भी बड़ा दुख है, वहाँ का जो हमारे मेवात बिरादरी के गांव में या अल्पसंख्यक जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, मेव क्योंकि अल्पसंख्यक में ही आते हैं, जिस प्रकार से प्रधान जी की हत्या हुई वो घोरनीय, निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो पुलिस ने भी खुलासा किया है, वहाँ के एसपी और एएसपी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो इसमें जो अरेस्टिंग हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, वो अजय उर्फ मोनू एक और उन्हीं के साथ में एक शिवम शूटर को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ के आधार पर ही 5 आदमियों को पुलिस अब तक अरेस्ट कर चुकी है। और वो सबसे बड़ी बात यह है, वो अल्पसंख्यक समाज से ना होकर के, मेव समाज के ना होकर के, वो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। तो योगी जी किस प्रकार से और कौन उनको फीडबैक दे रहा है, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते उनको कम से कम अपने अफसरों से मालूम करना चाहिए था कि इस कांड में कौन शामिल है कौन नहीं है। ठीक है, मेवात ये ब्रिज का आँचल है, ये कृष्ण जी की भूमि है, पूरा ये जो मेवात, हमारा हरियाणा का मेवात हो, यूपी का मेवात हो या राजस्थान का मेवात हो, ये सारा ब्रिज का आंचल कहलाता, ब्रिज के आंचल में योगी जी ये जहर फैलाने की कोशिश मत करिए, हम तो आपसे यही कह सकते हैं। और इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें कि कुल 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इस अरेस्टिंग में 2 अजय और जो है एक और शूटर जो है जो कि मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ है, तीसरा शूटर अभी फरार है। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता अमोल नाम का व्यक्ति है, जो कि पैगाव का ही रहने वाला है और विगत पंचायत चुनाव में प्रधान पक्ष उसका पद का प्रत्याशी था और दूसरे नंबर पर रहा था। उसके 2 साथी दान सिंह और एक रोहतास, वो भी अरेस्ट हुए हैं, जो भी कि इस साजिश में शामिल थे, जिसको भी घटना की जानकारी थी। ये घटना मुख्य रूप से गांव की विकास के लिए सरकार द्वारा दी गई 21 करोड़ की धनराशि के ऊपर कब्जा करने के लिए।
योगी जी ने जो मेवात को बदनाम किया है, मेवाती उसमें शामिल ही नहीं थे। कोई भी अल्पसंख्यक समाज का आदमी उस हत्याकांड में शामिल ही नहीं है। उसमें जो 5 अरेस्टिंग अब तक हुई हैं वो सभी बहुसंख्यक समाज से आते हैं। पहले का नाम अजय उर्फ मोनू है, दूसरे का नाम शिवम है। ये दोनों शूटर हैं और इन शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो इसमें हत्याकांड में जो गांव की प्रधानी को लेकर ही कुछ मामले सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर शायद ये हत्या हुई है। लेकिन योगी जी ने अपने चुनाव को सामने रखते हुए हिंदू मुसलमान करते हुए मेवात को बेवजह ही बदनाम किया है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना